यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय माता दी। बच्चे, आज ना मेरे पास ना स्टैटिस्टिक्स का ना सेकेंड लास्ट चैप्टर है, और इस सेकेंड लास्ट चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। देखो, इस चैप्टर के ना नाम से समझ आ रहा होगा कि ना कोरिलेशन दैट मींस कि आप लोगों ने ना रिलेशन को एस्टिमेट करना है। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन को एस्टिमेट करना। और आप मुझे बताओ कि जब कभी भी आप लोगों को रिलेशन मतलब रिलेट करना होगा, तो रिलेट करने के लिए मिनिमम कितने आइटम्स चाहिए होंगे? दो। रिलेट करने के लिए मिनिमम कितने आइटम्स चाहिए होंगी? दो। तो इस कोरिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने दो आइटम्स के बीच में रिलेशंस को एस्टिमेट करना है। और जैसे ही मैं रिलेशन को एस्टिमेट करने की बात कर रहा हूँ रामदेव, तो मुझे बच्चा कह रहा है, कुणाल सर, रिलेशन तो आखिर होते दो ही हैं। एक आपके पास कुणाल सर पॉजिटिव रिलेशन होता है और एक नेगेटिव रिलेशन। हाँ जी, मैं चाहे जितना मर्जी एस्टिमेट कर लूँ रिलेशन, आंसर सिर्फ दो ही आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ देखो बच्चों, तो आपके पास चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्या बोल रहा हूँ मैं? कोरिलेशन। चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। ध्यान से देखना, कोरिलेशन का मतलब क्या है कुणाल सर? कोरिलेशन का मतलब है कि आपने एस्टिमेट करने रिलेशन, क्या एस्टिमेट करने, और रिलेशन एस्टिमेट करने के लिए कुणाल सर मिनिमम आइटम्स कितने चाहिए? रिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए मिनिमम आइटम्स दो आइटम्स चाहिए, एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए। आशगत, तो ना ये ना चैप्टर ना एक पहला ऐसा चैप्टर जिसमें ना कोई भी सीरीज नहीं होती। अभी तक हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड और थोड़े दिन के लिए तो हमने डिस्पर्जन भी कर लिया था। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, जो भी हम लोगों ने किया ना आज तक, तो हम लोगों ने जितने भी ना प्रैक्टिकल एनालिसिस थे ना, जो जितने भी हमने प्रैक्टिकल एनालिसिस लगाए थे, वो ना सीरीज के ऊपर लगाए थे। और तीन तरह की सीरीज थी बच्चे। एक आपके पास इंडिविजुअल सीरीज थी शौर्य, एक आपके पास डिस्क्रीट सीरीज थी, और एक आपके पास कॉन्टिन्यूस। पहला ऐसा चैप्टर जो आप मेरे साथ करने जा रहे हैं जिस चैप्टर के अंदर बच्चों कोई भी सीरीज नहीं होती, जिस चैप्टर के अंदर कोई सीरीज नहीं होती, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज होती है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज होती है, और वो भी दो होती हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज का नाम होगा एक्स और एक का नाम होगा वाई। सर, कोई डिस्क्रीट नहीं, मतलब कोई फ्रिक्वेंसी नहीं? नहीं बच्चों, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं, कोई डिस्क्रीट नहीं, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं, कोई इंटरवल्स नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज होगी बच्चों, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज। और वो इंडिविजुअल सीरीज भी दो होंगी। अब वो दो क्यों होंगी? क्योंकि मैं तुमको बता चुका हूँ कि मिनिमम मुझे दो आइटम्स चाहिए रिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। क्योंकि मुझे मिनिमम दो आइटम्स चाहिए रिलेशन को क्या करने के लिए? एस्टिमेट करने के लिए। इसलिए सिर्फ ये दो सीरीज होंगी, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, और दोनों इंडिविजुअल सीरीज होंगी। मतलब पहला ऐसा चैप्टर जिसमें तुम फ्रिक्वेंसी नाम से कुछ नहीं देखोगे यार। पहला ऐसा चैप्टर जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज, इंटरवल्स कुछ नहीं होंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मिड पॉइंट्स, लेस देन, मोर देन, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ दो सीरीज है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है, एक एक्स और एक वाई, जिसके बीच में तुमने क्या निकालना है? रिलेशन। और रिलेशन निकालने के लिए आपको पता दो ही आइटम्स चाहिए होती हैं, और रिलेशन होते भी दो हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन आएगा और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव रिलेशन आएगा और कौन सा रिलेशन आएगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट्स इट। तो ठीक है कुणाल सर, मुझे समझ आ गया। सारे मिलके बोलना चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? और रिलेशन का मतलब क्या? क्या एस्टिमेट करना है, क्या एस्टिमेट करना है, और रिलेशन एस्टिमेट करने के लिए मिनिमम कितने आइटम्स चाहिए? टू आइटम्स, एक एक्स और एक, और जो रिलेशन आएगा वो ही दो होगा, या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या तो नेगेटिव। कहते मत क्लियर। अच्छा, अब ना इस कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए ना थ्री मेथड्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं मेरे साथ। इस कोरिलेशन को निकालने के लिए वी हैव थ्री मेथड्स। तीन मेथड है मेरे पास कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड का नाम है, फर्स्ट मेथड का नाम है स्कैटर्ड डायग्राम। फर्स्ट मेथड का नाम है बच्चों स्कैटर्ड डायग्राम। सेकेंड मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। और थर्ड मेथड का नाम है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। ये तीन मेथड्स हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए करने हैं। फर्स्ट मेथड सिर्फ डायग्रामेटिकली होता है, डायग्राम के थ्रू बताना होता है रिलेशन कैसा है। सेकंड
सिर्फ डायग्राम के थ्रू बताना होता है रिलेशन कैसा है। फर्स्ट मेथड का नाम है स्कैटर्ड डायग्राम, सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और थर्ड मेथड है मेरे पास स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज स्कैटर्ड डायग्राम, जिससे मैं क्या एस्टिमेट करूंगा जसकिरत, रिलेशन। क्या एस्टिमेट करने वाला हूँ भाई? रिलेशन। और रिलेशन के दो ही आंसर आएंगे जसकिरत, एक कैसा आएगा पॉजिटिव और एक कैसा आएगा बच्चे नेगेटिव। एक पॉजिटिव आएगा और एक कैसा आएगा नेगेटिव। मैं अपना फर्स्ट मेथड जसकिरत स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास फर्स्ट मेथड है कौन सा मेथड है? स्कैटर्ड डायग्राम। प्लीज सारे यहाँ पे देखना बच्चों, मैं बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को करवा रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम, मतलब डायग्राम के थ्रू बताओ कुणाल सर कि कैसे होगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू सिखाता हूँ। अब पहले बताओ कि मिनिमम कोरिलेशन कितने आइटम्स में निकलता है? एक एक्स और एक। आपने डिमांड चैप्टर किया हुआ मेरे साथ? किया हुआ है तो देखो, मैं एक एक्स ले लेता हूँ प्राइस, ध्यान से देखना प्लीज। मैं एक्स ले लेता हूँ प्राइस, बेटे ध्यान देखा अभी पहले, मैं एक्स ले लेता हूँ प्राइस और वाई ले लेता हूँ डिमांड। अच्छा, अगर प्राइस 10 है तो डिमांड अगर मैं 20 रख दूं शौर्य, तो शौर्य अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। हाँ, प्राइस अगर बढ़ गया डिमांड क्या होगी? तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? बोलो कैसा हो गया? इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन हो गया? तो सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। चलो आज इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं। देख बच्चे, यहाँ पर मैंने प्राइस ले लिया, यहाँ मैंने डिमांड ले लिया। प्राइस 10, डिमांड 20, प्राइस 10, डिमांड 20 नहीं गए, प्राइस 10, डिमांड 20, प्राइस 20, डिमांड 10, ये रहा लोकस नेगी। इन लोकसेस को मैं ज्वाइन करूँगा, ये बन गया डिमांड कर्व। ऐसे बनाया था मेरे भाई। इसका मतलब याद रख ले आज एक बात कि कुणाल सर, जब कभी भी दो चीज़ों के बीच में, एक एक्स और एक वाई, ये तो तूने माइक्रो इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ी हुई है, तो पहले तो क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ही नहीं, तब बच्चों को ये प्राइस डिमांड कैसे सिखाते? तब भी मैं यही एग्जांपल देता था कि बच्चों बताओ प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या होती है? कम। तो मैंने प्राइस बढ़ाया, डिमांड कर दी कम, तो एक हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो बच्चा पता कहता था कि प्राइस और डिमांड में कैसा, मतलब एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। तो नेगी मेरे भाई, जब कभी भी दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व ना डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है बच्चों? हाँ जी, कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब मेरी क्लास का बच्चा कह रहा है, कुणाल सर जब कभी भी दो चीज़ों के बीच में जब कभी भी मैं अगर डायग्राम देखूँ और डायग्राम अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि वो जिस चीज़ का डायग्राम हो, जिन दो चीज़ों का डायग्राम हो, उसके बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। कैसा रिलेशन है? अरे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? निकाल ही क्या ले हो, क्या ले रहे हो? रिलेशन क्या ले गए हो? और रिलेशन दो ही होते हैं, और अगर कर्व तुमने देखा कि कहाँ जा रहा है तो कैसा रिलेशन? बस ये है स्कैटर्ड डायग्राम। इसका मतलब कुणाल सर क्या बोलना चाहते हो? मैम आपको एक्स भी दिया होगा, वाई भी दिया होगा, बोलेंगे प्लॉट करो, आप प्लॉट करोगे, जब आप उसका डायग्राम बनाओगे आंखों से देख के बता दोगे रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुणाल सर बस यही है? हाँ, स्कैटर्ड डायग्राम यही है। रेज योर हैंड्स किसको ये बात समझ आती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं इसको। स्कैटर डायग्राम तो है ही नहीं कुछ, थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं। ये देखो, ये प्लीज देख ले बेटा, प्लीज यहाँ पे देख, यहाँ पर बच्चे मेरे पास सप्लाई किसने पढ़ा? कल भी पढ़ रहे थे सप्लाई, हाँ जिसमें आप नहीं आए थे, हाँ जी कल ही पढ़ रहे थे। चलो एक काम करते हैं, आप ले लेते हैं एक प्राइस और एक क्या ले लेते हैं? सप्लाई। प्राइस 10 ले लेते हैं, सप्लाई 20, प्राइस 20, सप्लाई 30। बच्चे आज ये प्राइस डिमांड प्राइस सप्लाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th के बच्चे ने मेरे साथ माइक्रो करी हुई है, नहीं करी होती तो एक्स वाई बोलता, एक्स वाई बोलता फिर। अभी बोल लेते हैं एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बेचार तुम्हें क्या दिख रहा है, इसके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट, या फिर बोलो पॉजिटिव बोलो, कैसा रिलेशन है? हाँ जी, कैसा रिलेशन है? और आप सब बच्चों को पता है कि अगर आप पॉजिटिव रिलेशन का डायग्राम बनाओगे ना तो कैसा बनेगा? हाँ जी, कैसा बनेगा? तो ये देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये रहा मेरे पास प्राइस, ये रही मेरे पास सप्लाई। प्राइस मेरे पास 10, सप्लाई 20, प्राइस 20, सप्लाई 30।
ये रहे मेरे पास लोकसेस, इन लोकसेस को ज्वाइन किया, ये रहा बच्चों मेरे पास क्या सप्लाई कर्व, और वो सप्लाई कर्व कैसा बन रहा है स्टूडेंट्स, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा बन रहा है। इसका मतलब जसकीरत कह रहा है कुणाल सर आप एक काम कर दो, मैंने बोला बोलो, कह रहा है कुणाल सर एक्स और वाई हमें दे दो आप लिख कर क्वेश्चन में, सर हम उसको खुद प्लॉट कर लेंगे, और सर जब प्लॉट करेंगे और डायग्राम बनाएंगे अगर डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा होगा हम समझ जाएंगे कौन सा रिलेशन है पॉजिटिव कौन सा रिलेशन है। तो अगर डायग्राम कहाँ जा रहा हो तो कैसा रिलेशन, अगर कैसा जा रहा हो तो कैसा रिलेशन पॉजिटिव कैसा रिलेशन। इसका मतलब चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो चैप्टर का नाम क्या है, कोरिलेशन, चैप्टर का नाम क्या है, और कोरिलेशन में निकालना ही क्या है, क्या निकालना है, और रिलेशन होते ही दो हैं एक और एक, और रिलेशन निकालने के लिए तीन मेथड है, पहले मेथड का नाम क्या है स्कैटर्ड डायग्राम, क्या नाम है, सेकेंड मेथड कौन सा है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ, कम ऑन बोलो कार्ल कोफिशियंट ऑफ, और थर्ड मेथड स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। फर्स्ट कौन सा कर रहे थे स्कैटर डायग्राम, सर डायग्राम के थ्रू बताना है बस, हाँ डायग्राम के थ्रू बताना है, सर डायग्राम दो होते हैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक, अगर डायग्राम कैसा बन रहा हो तो कैसा रिलेशन नेगेटिव, अगर डायग्राम कैसा बन रहा हो तो कैसा रिलेशन, बस सर बट एक छोटी सी बात, ये देखो बेटा ये देखो प्लीज, मैंने तुमको क्वेश्चन दिया देखते रहना, मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद देख बेटा, क्वेश्चन देने के बाद तुमने वो लोकस बनाए, भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो तुम्हें लोकस के बारे में पता क्या होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तुम्हें लोकस बनाया मैम और लोकस मैम ऐसे बन रहे हैं, ज्वाइन कर दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया है, तो कैसे रिलेशन नेगेटिव कैसे रिलेशन, इसे बोलते पता क्या है, इसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा परफेक्ट पता क्यों बोला, क्योंकि जो लोकस बन रहे हैं ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अच्छा देख बेटा अगर यही यही अगर ऐसा बनता, देख बेटा लोकस मैंने क्वेश्चन दिया उसके लोकस ऐसे बन रहे, देख बेटा बेटा जा तो डाउनवर्ड ही रहे, मतलब है तो कंफर्म कौन सा कोरिलेशन नेगेटिव है, तो कंफर्म कौन सा कोरिलेशन, बट इसको ना हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों कुणाल सर हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, जो लोकस बन रहे हैं ना उनके बीच में ना गैप ना कम है, इसलिए इसको हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे जी, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा देखो बच्चों ये देखो मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद तुम्हारे पास लोकस ऐसे बन रहे हैं, है तो नेगेटिव, दोबारा बोल रहा हूं है तो क्या जी नेगेटिव कोरिलेशन है तो क्या, बट बिचे इसे बोलते हैं लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इसे बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जी। सर वो पता कैसे लगेगा, अरे जैसा आपको क्वेश्चन देखा जाएगा आपको मैं प्लॉट करने के लिए बोलूंगा तुम प्लॉट करोगे, प्रॉमिस कर रहा हूं प्लॉट करते करते ही समझ आ जाएगा कौन सा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में भी कौन सा है, जहां गैप्स कम होंगे वहां पे हाई डिग्री, जहां गैप ज्यादा होंगे वहां पे लो डिग्री। ये देख फिर एक बार इसके लिए भी बोल दे यार महाजन, मैंने तो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद ये बन रहा है, हेलो ये बन रहा है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है पहले बताओ, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव तो है कुणाल सर, पर कौन सा है परफेक्ट, हाँ जी क्या है जी, हाँ जी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या है इसके अंदर परफेक्ट पॉजिटिव। ये देखो प्लीज पहले यहां देखो, इतने ज्यादा नहीं आते बट पता लग जाएगा तुम्हें, ऊपर जा रहा है हाई डिग्री है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री। अच्छा अब इसको देखो, ये देखो जा तो अभी भी ऊपर ही रहा है बट इसे क्या बोलेंगे, हाँ जी इसे क्या बोलेंगे जी, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और सर बस जी
ये तीन ही होते हैं जी, तीन इसके होते हैं, तीन उसके होते हैं जी। सर पता कैसे लगेगा? वो क्वेश्चन करने के पता लगेगा भाई, प्लॉट जब करोगे तो पता लग जाएगा जी। बस सर यही होता है। नहीं ध्रुव, एक और होता है, एक सेकंड देख लो, एक सेकंड देख लो, अभी नोट कर लेना। ये देखो ध्रुव, मैंने क्वेश्चन दिया, ये बन रहा है ध्रुव। सर ये तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, नो कोरिलेशन, बस नो कोरिलेशन भाई, है ही नहीं कोई, कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा मुझे। तो जब कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, जब कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो वो कौन, क्या है जी? नो कोरिलेशन। क्या है वो? नो कोरिलेशन। ये सर मेरे पास आ गया नो कोरिलेशन, ये मेरे पास आ गया कुणाल सर नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन तो आ गया, इससे पहले सर हमारे पास ये देखो, ये रहा, ये रहे सर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशंस, ये रहे सर हमारे पास पॉजिटिव। नेगेटिव में भी तीन, परफेक्ट हाई डिग्री लो डिग्री, पॉजिटिव में भी तीन, परफेक्ट हाई डिग्री लो डिग्री, ये है जी। फटाफट अपने अपने ग्रुप्स में जल्दी से नोट करना है, वेरी गुड, नहीं तो 4 to 5 और 7 to 8 दोनों बैचेस में फास्ट। तेरे कॉल कौन से आ रहे हैं सुबह सुबह? मैं वही सोचा मम्मी का ही आया होगा। ध्रुव एक सेकंड चुप हो जा बस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्स है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2, 3, 5, 6, 8, 9, ये मेरे पास एक्स। वाई है स्टूडेंट्स मेरे पास 6, 5, 7, 8, 12 एंड देन 11। करो प्लॉट, निकालो, करो प्लॉट और निकालो बच्चों, जल्दी से प्लॉट करके निकाल दो एक बार। कहीं पर भी एक्स ले सकते हो, कहीं पर भी वाई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मनन। पॉजिटिव है नेगेटिव है? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सर कोरिलेशन तो आ रहा है बट कैसा आ रहा है सर? लो डिग्री कैसा आ रहा है? वो भी लो डिग्री कौन से वाला आ रहा है? पॉजिटिव कौन सा आ रहा है?
यस बनाया, बना लिया सार्थक। कैसा बना देख दिखाया एक बार, ऐसा कर ऊपर कर। झूठ है, गलत है। हाँ तो पर लो डिग्री दिख नहीं रहा तेरा, तो परफेक्ट दिख गया। तूने कैसे बना दिया ये, जानबूझ के कर दी सीधा सीधा सीधा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर क्या जा तो ऊपर की तरफ ही रहा है ना, तो हुआ तो कौन सा पॉजिटिव, और पॉइंट सारे साथ साथ नहीं है तो कौन सा लो। बस बात नहीं, बात नहीं, अभी बात कैसे शुरू होगी जी। एक्स टू वाई सिक्स, एक्स थ्री वाई सेवन, सॉरी एक्स थ्री वाई फाइव, एक्स थ्री वाई फाइव। अरे बोलो मत, एक्स फाइव वाई सेवन, एक्स सिक्स वाई एट, एक्स एट वाई ट्वेल्व, एक्स नाइन वाई इलेवन। है तो बच्चे पॉजिटिव, कौन सा है बट कैसा हो गया लो डिग्री, कैसा है। नेक्स्ट लिखो, एक्स एक्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी। एक्स वाई लिखो, वाई फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड। जल्दी से बनाओ जी, बना के दिखाओ जी। बना लिया, कैसा आया बेटा वो भी, कैसा परफेक्ट आया। ठीक है तो फिर कौन सा आंसर होगा परफेक्ट, इसका आंसर क्या होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जाएगी आपने बनाया, जल्दी बना। तो एक बन रहा है परफेक्ट पॉजिटिव, सारे लोकसेस एक ही रो पे आ रहे हैं। ये देखो जी, अब ये देखो, ये तो सर मेरे पास एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, सॉरी दैट स्कैटर्ड डायग्राम। डायग्राम के थ्रू सर पता लगा
कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और पॉजिटिव में भी 3 पता लगे और नेगेटिव में भी 3 पता लगे सर। पॉजिटिव में भी 3, नेगेटिव में भी 3। सबसे इजी मेथड कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, दैट इज स्कैटर डायग्राम। सबसे इजी मेथड कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए स्कैटर डायग्राम। सेकंड मेथड स्टूडेंट, सेकंड मेथड कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। भाजी अब रिलेशन तो इसमें भी एस्टिमेट करना है, तो आइटम्स तो दो ही होंगे, एक एक्स और एक वाई, कोई आपके पास डिस्क्रीट सीरीज नहीं, कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं, सिर्फ दो आइटम्स होती हैं। एक कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक्स, और एक क्या होता है स्टूडेंट, वाई। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए मेरे पास जो फर्स्ट मेथड है, उस फर्स्ट मेथड का नाम है बच्चे एक्चुअल मीन मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है एक्चुअल मीन मेथड। और बाजी एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है ये देख बच्चे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। कुणाल सर ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई ये नहीं है भाई ना, एक्स का मतलब है एक्स माइनस मीन और वाई का मतलब है वाई माइनस मीन। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, पहले फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे अगर एक्स दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, एक्स और वाई दिया हुआ है। अब बच्चा कहीं ये ना समझे कि यही एक्स वाई के साथ गेम खेलनी है, नहीं 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 नहीं, पहले एक्स का मीन निकालो, ऐसे रफली निकालो, बोलो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 50 डिवाइड बाय 4 12.5, 12 ले लेते हैं अभी, क्या ले लेते हैं 12। तो पहले x माइनस मीन जो निकालोगे वो है x, और y माइनस मीन जो निकालोगे वो है क्या, y। तो अब जैसे 12 तुमने बोला था, क्या बोला था 12, तो 5 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12 15 माइनस 12 20 माइनस 12 8, हाँ ऐसे चलो इसका मीन निकालो, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाय 4 5, तो 2 माइनस 5 4 माइनस 5 6 माइनस 5 और 8 माइनस 5, ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास y आ गया जी, x माइनस मीन y माइनस मीन, ये आ गया एक्स वाई। सुनो ये देखो बच्चों, बच्चों ये देखो, इस एक्स वाई का कुछ लेना देना नहीं है बच्चे यार, ये प्लीज करना ये स्टेप यार, क्योंकि मेहर आधे बच्चे बताए करेंगे इसी एक्स वाई से खेल लेंगे गेम, वही सारी बात गलत है यार भाई। सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है भाई स्टैटिस्टिक्स का, ये ऐसे नहीं चलेगा इसी से, आपको पहले एक्स का एक्स निकालना पड़ेगा। तो कुछ टीचर क्या बोलते हैं, हम तुझे छोटा एक्स देंगे तो बड़ा एक्स निकाल लियो, ये बड़े एक्स की गेम है, ये बड़े एक्स की गेम है। तो टीचर बोलेंगे बेटा मैं तुझे कौन सा एक्स दिया छोटा, तू कौन सा निकालेगा, अब वो आपकी मर्जी है यार, तुमने आप छोटा बड़े के समझने में समझ लो, नहीं तो मैं तुमको डायरेक्टली बता रहा हूँ जी। अब देख नेक्स्ट क्या बोल रहा है शौर्य, नेक्स्ट के बाद सम दो किसका चाहिए शौर्य, एक्स वाई का सम चाहिए शौर्य, बस एक्स और वाई अलग अलग तो है बट सम चाहिए देखो एक्स वाई का, तो मतलब देखो एक्स वाई को क्या करना पड़ेगा, तो तुझे इस और एक्स वाई को क्या करेगा तू मल्टीप्लाई शौर्य, इसका सम जो आएगा शौर्य वो वहां आएगा ऊपर यार। शौर्य अब तेको सम किसका चाहिए बता, एक्स, तो शौर्य इसका तू क्या कर दियो एक्स, इसका क्या ले लियो सम शौर्य, वो यहां पर आएगा मेरे भाई। चलो उसके बाद सम किसे चाहिए देखो, तो वाई का क्या कर दियो स्क्वायर, उसका क्या लियो सम, वो यहां पर आएगा जी। क्या है फॉर्मूला बताना, सिग्मा सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, बट जो मैं तुमको एक्स वाई दूंगा वो तो कौन से होते हैं, तुमने कौन से निकालना है, सेंड करो ग्रुप में फास्ट जल्दी से, नहीं बेटे इसको नहीं करना सॉल्व, मैं बस सॉल्व एक बार दिखा रहा था कैसे क्या क्या करना है, स्टेप्स बता रहा था बस, मैं दूंगा ना क्वेश्चन वो सॉल्व करना फिर।
सब ठीक हो भगवान करे। हाँ जी इजी है। मैं तुम्हें कौन सा एक्सरसाइज दूंगा, तुमने कौन सा निकालना है, लिखो क्वेश्चन। सिर्फ दो दो क्वेश्चन करेंगे, मेथड चेंज करके आगे चलेंगे जी। ओनली टू टू, टू टू क्वेश्चन, भूखे समझ रहे, टू टू अलग ही ले जाता है, जस की रहता ना पंजाब पहुंच जाता है। हाँ जी एक्स 15, हाँ छोटा ही है, एक्स छोटा ही दे रहा हूँ बेटा, 15 18 बात नहीं, अच्छा नहीं, बाय बच्चे। वो जब तेरा मीन निकाल के तू माइनस, मतलब कि बड़ा एक्स निकालेगा तो बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज आ जाएंगे। बस एक बार मीन तो निकालना पड़ेगा यार, अब सेकंड लास्ट चैप्टर है भाई। फ्रीक्वेंसी नहीं है, वही तो समझाया है चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था कि एक इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें फ्रीक्वेंसी की कोई गेम नहीं है। बच्चे पहले बस कुछ मत करो, आपको अच्छे से पता है कि ये छोटा एक्स वाई गिवन है, पहले एक्स का और वाई का अच्छे बच्चों की तरह मीन निकालो और बोलना कुछ मत। बेटा सुन मेरी बात, ऊपर देख, एक्स का भी मीन कितना मैंने बोला कितना आया बच्चों का, 30, और वाई वालों का कितना आया है, 33। बच्चे मीन कैसे निकालते हैं देखो पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर, हाँ बस। तो ये देख अब आ गया, अपना बड़ा एक्स निकाल और बड़ा वाई निकाल, कैसे निकालेगी देख, एक्स माइनस मीन 15 माइनस, हाँ जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है कर ले जल्दी, 18 माइनस 30 कम ऑन माइनस 21 माइनस, ओए भाई कैसे निकालेगी बड़ा वाला, मैं 3 को माइनस करूंगा वाई में से, हाँ कितना होगा पता, 25 माइनस 33 जल्दी बता, 25 माइनस 33, अरे चुप हो जा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ग्रुप में है तेरे, अब चेक कर ले एक बार, बोल आगे आगे बोल, 27 हाँ, 31 माइनस 33
बड़ा एक्स और बड़ा वाई आ गया। नहीं साइन इग्नोर नहीं करना बच्चे इसमें, नहीं बेटा साइन तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, कोई मोड़ थोड़ी लगा हुआ है, कर ले अब तो। हाँ अच्छा सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। याद रखना सम के बाद जो गिवन होता है वो एक कॉलम होता है, रौनक करना, सम के बाद जो गिवन होता है वो एक कॉलम होता है, सम के बाद जो गिवन होता है वो एक कॉलम होता है। बता जसकिरत सम चाहिए एक्स वाई का, मल्टीप्लाई कर एक्स वाई को, बता कितना आएगा। 120 आगे 96 तो बोलने थे पहले। हाँ जी 50 36 6 0 12 72 96 कर ले अब जल्दी करना यार। एक्स का इस एक्स का अब कोई लेना देना नहीं, तो मत कर देना रजिस्टर में ऐसे, इस एक्स वाई का कोई लेना देना नहीं सर। एक्स का स्क्वायर करो सर, बोल एक्स का स्क्वायर। तो आंसर नहीं देते बस की नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ जी 225 144 81 3 वाई स्क्वायर बता सार्थक। हाँ लेंदी है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये फर्स्ट मेथड है, इसके बाद तो अभी चार मेथड हो रहे हैं। और किस लिए दिए? एक्स वाई का सम कितना आ रहा है बच्चों? 70 एक्स स्क्वायर का सम और वाई स्क्वायर का सम। हाँ जी वाई स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 480। जा डूब जा मेहता, तेरे बस ही कुछ नहीं है। अरे जा यार। सम ऑफ एक्स वाई कितना है कुणाल सर? सम ऑफ एक्स वाई 708
सर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? सर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1080 मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर इज 480। मल्टीप्लाई करो फास्ट, 518400। क्या क्या हो गया भाई? 118। वेरी गुड यार, अगर सर ये बड़ा है तो फिर कैसे छोटा होगा? अब बस आगे जाना। 708 बच्चे कह रहे क्या रूट है 7। करेंगे रूट, रूट सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। बता दिया मैं था, देखो आता है मैथ्स कहाँ पढ़ता है तू? हाँ बता दूंगा बेटा। क्या? हाँ कह रहा मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैंने क्या कह रहा, रूट निकाला। हाँ, बता दियो अभी क्लास, अभी बता दियो। भूल गया या वो क्लोज वाला ढूंढ ले, ढूंढ के। वैसे तो ये भी इजी है, जैसे जब हम निकालते थे वो लॉन्ग मेथड, दो दो के क्या बना ले ग्रुप, उतारते रहे नीचे। और कोई बात नहीं, पहले हम लोग कर लेते हैं उससे निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी डन शोर है। मुश्किल है बेटे, मुश्किल होगी जिंदगी। यस दिवलीन, कौन सा मेथड है दिवलीन? ये वाला एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा मेथड? क्या है सारे मिलके बोलना मेथड, बोलो। सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा, पर जो मैं तुम्हें एक्स वाई दूंगा वो कौन सा है? छोटे। तुमने कौन सा निकालना है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड, इजी दूंगा, छोटा सा दूंगा। प्लीज अब सारे बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से सॉल्व करना जी, कोई किसी से पूछना मत, तभी छोटा दे रहा हूं जी। आपके पास x गिवन है, आपके पास x गिवन है 24, 26, 32, 33, 35, 30. आपके पास y गिवन है 15, 20, 22, 24, 27, दोबारा 24। बस मैंने तुमको छोटे दिए, तुमने बड़े निकालने। मैं कॉलम तब भी बना के हेल्प कर रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलम चाहिए। मुझे बड़ा x चाहिए जो कि x माइनस मीन से आता है, फिर मुझे बड़ा y चाहिए जो कि y माइनस मीन से आता है, फिर मुझे x y को मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, वाई स्क्वायर का सम चाहिए। रौनक अब एक्स और वाई का मीन तो निकाल ले भाई मेरे यार। हाँ जी एक्स और वाई का मीन तो आपको निकालना पड़ेगा जी। आप चुप एकदम, एकदम चुप। अरे मीन निकालना है, ये भी चीटिंग करके निकालेगा क्या उसको?
0.92, नहीं हो पाएगा त्यागी? हो पाएगा? अच्छा, कितना आ रहा है एक्स का मीन? हाँ, एक्स का मीन कितना है? 30। और वाई, एक्स का मीन कह रहे हो कितना आया? 30। और वाई का कितना आया? तो 24 माइनस 30 कितना आएगा? बोलो 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 बोलो। वाई का मीन 22 है जी। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, इतना इजी हो गया तब भी तुमसे नहीं हो पा रही कैलकुलेशन त्यागी। हाँ जी, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो जी। 7 6 4 2 0 6 25 0, एक्स स्क्वायर करो जी। 36 4 4 0। बोलो 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 बोलो। वाई स्क्वायर बताओ। बोलो 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 बोलो। नहीं हो पाएगी, सार तक नहीं हो पा रही बेटा, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। छोटी सी गलती हो गई थी, अभी क्लास खत्म होने में से भी गलती होने वाली है एक। एक्स वाई का सम कितना आया? एक्स स्क्वायर 90, वाई, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में चाहिए ये तीन चीजें। 0.92 सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर शौर्य इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। शौर्य सिग्मा एक्स वाई कितना है मेरे पास? 81। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है यार? 90। सिग्मा वाई स्क्वायर 86। 81 मल्टीप्लाई करें कितना आया नीचे? 7 7 4 0। तो 81 डिवाइड बाय 81 करते रहेगा देख के, कम से कम इतना, कम से कम इतना तो, इतना तो कर, इतना तो कर, इतना तो सॉरी, इतना तो कर पहले सॉल्व, इतना तो कर सकता है ना पहले, इतना कर ले बस तू पहले। मैं नहीं छोड़ना नहीं है, बट तू इतना कर पहले, अभी बस पहले यहां तक। मैं मार्क्स कटेंगे अगर यहां तक छोड़ दिया तो, बट पहले कह रहा हूं यहां तक कर लो, जिसका नहीं आता रूट जिसको, पहले यहां तक करो कंप्लीट। कभी कभी भी देख तू, तेरा नाम क्या है इस मेथड का नाम क्या है? कार्ल पियर्सन कोफिशियंट। कार्ल पियर्सन कोफिशियंट का आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। तुमने अगर ऐसे भी छोड़ दिया ना तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर पॉइंट्स में लिखना जरूरी है। पर अगर ये आ जाए ना तो पता लगता है कि आंसर, देखो 1 तो आएगा नहीं, 81 अपॉन अपॉन 87 है, तो आंसर उसके क्लोज ही 1 से कम आएगा जी। कितना आ रहा है जी? 1 कंप्लीट है। इसका नहीं हुआ अभी, इनका हो गया। दिवलीन अभी आप लोगों ने जो मेथड किया था वो एक्चुअल मीन मेथड था, कौन सा था जी? एक आपके पास मेथड है स्टूडेंट, एक आपके पास मेथड है, उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। बहुत इजी मेथड, डायरेक्ट मेथड। सर उस मेथड का नाम एक्चुअल मीन मेथड इसलिए था क्योंकि हमने उसमें एक्चुअली पहले मीन निकाला फिर सॉल्व करा जी। इसमें सर कोई मीन नहीं निकालना, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा सर, मेथड का नाम ही तभी डायरेक्ट मेथड है सर। ऑब्वियसली बात है सर, आपने बताया था कि कोरिलेशन के अंदर दो चीजें दी होंगी, एक कुणाल सर एक्स दिया होगा और एक मुझे वाई दिया होगा, एक एक्स दिया होगा और एक क्या दिया होगा? वाई। तो सर डायरेक्ट मेथड होता क्या है ये देखेंगे सारे बच्चे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर। दोनों एक्स वाई पहले साथ रहते थे सर, फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई सर। लड़ाई होने के बाद सर एक्स अलग रहता है
और वाई अलग रहता है, पर सर रहते ही एक ही बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में कुणाल सर ये रहा घर एक्स का और ये रहा घर वाई का, सेम सेम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स, सेम सेम सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई, स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एन अपॉन एन। कह रहे सर क्विट, बस हो गया भाई बेटा यहां से चले जाओ आज, स्टेज ऑफ रेस्ट। क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलना, मेरे साथ बोलो पहले दोनों एक्स वाई, मेरे साथ बोलो एक बार, यहां देखो पहले दोनों एक्स वाई फिर दोनों के बीच में, अब एक्स अलग रहता है और बट रहते अभी भी एक ही। उस बिल्डिंग में ये घर किसका, ये घर किसका, सेम सेम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन। फॉर्मूला वन नंबर का है सिर्फ, तुझे बोला नहीं जा रहा तू फॉर्मूला करेगा क्या यार, एक बार देख एक बार देख। हाँ जी ये देखो पहले एक बार देख ले कॉलम कैसे कैसे बनेंगे, ये टू फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर, ये देखो यहाँ देखो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में जो स्टार्टिंग से बताया है उसी को फॉलो करो, सम के बाद जो दिया होता है उसका एक कॉलम होना चाहिए, तुमको पता है। आपका ऐसा हो सकता नहीं कि सिक्स मार्कर में क्वेश्चन ना आए फाइनल टर्म्स में भाई, इसलिए पहले कॉलम लाना सीख लो, प्रैक्टिस से ही सही बनते हैं हम लोग, पर कॉलम ना लो पहले। सम किसका चाहिए खुद बताओ, जसकिरत सम किसका चाहिए, एक्स माइनस एक्स वाई है नहीं है, तो पहले एक्स और वाई को क्या करेंगे फिर उससे क्या ले लेंगे सम, मीन समझा ले यार। हाँ जी भूमिका सम किसका चाहिए, अरे सम किस बोलो, यहां पे एक्स वाई कहां लिखा है यार, सम किसका चाहिए, अरे सिग्मा एक्स बोल, सम का मतलब सिग्मा ही होता है, सम किसका चाहिए, किसका चाहिए, चलो वो तो है, सम किसका चाहिए वो भी है, सम किसका चाहिए यहां देख के बोलो किसे चाहिए, तो पहले एक्स से क्या निकालो उसका क्या ले लो सम, यहां सम किसका चाहिए सिर्फ, यहां क्या लिखा हुआ अंदर, सो सम सिर्फ किसका चाहिए था वो यहीं पर था ऑलरेडी, उसका क्या कर देना स्क्वायर। मेरी बात सुन लो, सम के बाद जो गिवन होता है उसका एक कॉलम होना चाहिए, बस बेवकूफ मत बन जाना, क्वेश्चन बहुत इजी छोटी वैल्यू का क्वेश्चन आता है ये, अभी दूंगा बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा पर तुमको पता नहीं होगा कॉलम कैसे बनने हैं। सम किसका चाहिए सिर्फ वाई यार, किसका चाहिए वाई, तो वाई का पहले क्या निकालेंगे स्क्वायर। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है प्लीज, और यहां पे लिखा भी हुआ है खून किसका देख लो, सम किसका चाहिए वाई के फिर वाई बोल रहे वाई, तो वाई का क्या निकालेंगे उससे क्या लेंगे, यहां सम किसका चाहिए पहले सम किसका चाहिए बस ये बता दो, वो है ऑलरेडी उससे क्या कर देंगे अपॉन एन, क्या होता है ये कॉलम बनने, वो बहुत इजी है ये वाला एप्लीकेशन, ग्रुप पे सेंड करो फास्ट। डायरेक्ट मेथड फॉर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्ट मेथड नहीं, ये नहीं करना बच्चे, अभी जो दूंगा वो करना है बेटा।
जो सोवत है वो खोवत है भाई। लास्ट 3 संडे से, आज आज थर्ड संडे है, फोर्थ है हमारा, ये एक ही टाइमिंग पे क्लास रख रहा हूँ, मॉर्निंग 8 to 10। नालायक मत बना करो, सुबह उठ जाया करो, आलसी मत बना करो इतना। मैंने आपको बोला था कि हम लोग सिलेबस फिनिश करेंगे अपने दिसंबर में, वो करना है मुझे फिनिश, मेरी बात समझो। रिवीजन तो होती रहेगी फिर दोबारा, बट एक बार पहले सिलेबस फिनिश हो जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि चल मेरे इन 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ऐसे हम लोग अपने बिजनेस में भी सेकंड लास्ट चैप्टर पे हैं जी, वो छोटा सा है वो भी खत्म हो जाएगा 2 क्लासेस के अंदर। तो जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी ना कि यार मेरे ये थ्योरी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश भी हो गया, ये मेरे थ्योरी सब्जेक्ट हैं, ये मेरे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दो जैन और जैन मिड और फेब मिड तक, और अपने पेपर दो आके। वो पागलों तरह टेंशन थोड़ी लेते रहोगे पेपर से पहले। क्लास 11th में भी ऐसे करना और 12th में भी ऐसे करना होता है, पहले अपने सब्जेक्ट 2-3 फिनिश कर लिया करो दिसंबर तक। अब मेरे किसी 12th के बच्चे से पूछो, उनका सब्जेक्ट सारे खत्म है, उनके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं अब तो इसी 27 से 28 से। हाँ जी ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1122 वैल्यू लिखो, ग्रुप पे सेंड कर, दोनों ग्रुप पे सेंड कर दिया। x -3 -2 -1 1 2 3, -3 -2 -1 1 2 3। y लिखो, y 941149, 941149। सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिख लो जिससे कि तुम्हें पता हो कि सम के आगे क्या दिया हुआ, तुम वो कॉलम बना लो। सम चाहिए एक्स वाई का माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एन अपॉन एन। मैं हेल्प कर देता हूं सर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का सम वाई स्क्वायर का सम। ध्रुव सिर्फ तुम लोग बात कर रहे हो, बस मत करो आपस में, ये तो अब छोटी वैल्यू वाले हैं, एंड में करना बात, जब कैलकुलेशन एंड में पुटिंग करने की बात आएगी, कम से कम पहले कॉलम से पूरा कर लो बस यार। फर्स्ट डे में कौन परफेक्ट हो जाएगा, हम तो सिर्फ अभी इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। नहीं बेटा इग्नोर नहीं करते बच्चे इसमें, पूरी बुक में कहीं इग्नोर नहीं करते, बस मीन डेविएशन में करते थे और वो मैक्सिमम स्कूल में आ ही नहीं रहा, तो खत्म बात। जसकीरत कर बेटा कर, हाँ चला अपना, आ रहा बेटा आ रहा है, हाँ कहते आ रहा है।
ये वाला बेस्ट है सर, सब जीरो हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा रौनक, बताया भाई ने अभी कि ये कहां से जीरो आया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट डायरेक्ट मेथड। हाँ दो और है। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अच्छे सॉल्व कर दोगे तो फिर आगे वाला मेथड सिर्फ बताऊंगा करवाऊंगा नहीं, अगर ये नहीं करोगे फिर आगे वाला मेथड करवाऊंगा भी और उससे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये देखो बच्चों, तेरा एक्स तेरा वाई, अच्छा क्वेश्चन दे छोटा ही रहा हूं बस, प्लीज क्वेश्चन दे छोटा ही रहा हूं इसलिए प्लीज ढंग से करना। एक्स है मेरे पास 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 7 8, और वाई है मेरे पास 2 6 8 10 14 16। सबसे पहला काम क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है साथ में, दोनों एक्स वाई साथ, लड़ाई हो गई, एक्स अलग वाई अलग, रहते अभी भी एक ही बिल्डिंग में है, ये घर एक्स का ये घर वाई का, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एन अपॉन एन। अच्छे से करना प्लीज, मत पूछो अपना, अच्छे से करो। टू 56 बेटे, माने कर, जल्दी कर बेटा, हाथ चला ले, मत कर इतना इतना कैलकुलेटर अपने दिमाग में मत कर। का सही कर रहा है, हाँ सही कर रहा है, बस अपना फॉर्मूला चेक करते रहे, क्या क्या चाहिए कॉलम बनाते रहे, बस ऐसे ही तो होता है यार, इस सना की तरह डर थोड़ी जाएंगे हम। ध्रुव ध्रुव बेटा, पहले एक्स और वाई को क्या करना है, ध्रुव फिर एक्स स्क्वायर और ध्रुव वाई, बस यार ध्रुव यही तो करना है। यहां से आएगा ध्रुव मेरे पास सिग्मा एक्स, यहां पर आएगा सिग्मा वाई, यहां आएगा सिग्मा एक्स वाई, यहां पर आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर और यहां आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर। हाँ बेटा, नहीं इसका स्क्वायर नहीं,
इसका ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले में हाँ ये आएगा, और सेकंड वाले में सम उसका आएगा, फिर उसका होल स्क्वायर कर देगा। एलसीएम ले ले, तेरी मर्जी है, तो पॉइंट्स में पॉइंट्स निकाल ले, दोनों का मतलब तो एक ही होता है बेटा। सम ऑफ एक्स कितना आ रहा है बताएगा कोई? सम ऑफ वाई 54 कह रहा था अभी कोई, कौन कह रहा है भाई? एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर 164, वाई स्क्वायर 656 भाई, और एक्स वाई है 328। अब पुटिंग करनी, कर दे पुटिंग, अब आएगा दे, बड़े जल्दी आ जाएगा, देख तो कर, तो पुटिंग तो कर, तो देख कितना आ रहा है तेरा। एक सेकंड रुक जा बेटा, बस आ जा, पहले ये सॉल्व करते हैं, मम्मी का पता। तू पिटेगा डेविड, तू पिटेगा देख लियो। अच्छा तूने, तो जहां पहले होगा पहले वो करूंगा सर, उसके बाद वाला बताएगा तू मुझे, ठीक है? तू करो पुटिंग जी, पुटिंग करो, आंसर बताओ। लवन कर ले मेरे भाई, आंसर वन है। अच्छा एक ही, इसका 3 + 5 कर दो ना, उसका आंसर नहीं पता होता उसका कैलकुलेटर से, इसका 1.001। कौन सी वाली?
आ रहा हूँ, रुक जा, अभी आ रहा हूँ, रुक जा एकस। फिर ड्रामे शुरू करे, मेहता शुरू, ड्रामे शुरू हो गए। कितना आएगा इसका? इसको पहले इसको डिवाइड मत कर देना, पहले 28 मल्टीप्लाई बाय 28 करना, फिर डिवाइड करना। ये बेवकूफ मत बन जाना, पहले डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद, हाँ वन सिक्सटी फोर माइनस 130.6, और यहाँ पर माइनस 5 बता आगे बचे मेरे, ऊपर माइनस करेंगे 6। क्या आंसर आ रहा है? थर्टी थ्री पॉइंट थ्री का है 5.7, 33.3 का है 5.7। फाइव पॉइंट सेवन 11.5 ये आएगा एंड में। एक और करें, ये देखो लास्ट, नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहे, आगे देख तो लो एक बार, क्वेश्चन नहीं कर रहे बस। ये देखो ये आपने अभी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सीखी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्लास के अंदर अभी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ देख के कर रहे हैं, डिवाइड और डिवाइड तो कर नहीं रहे ना, रूट निकाल रहे हैं। आपको इसलिए टाइम चाहिए, वो बैच वाइज जब हम लोग बैठेंगे तो इसमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टाइम लगाएंगे, तब जाके आपका फायदा होगा, ऐसे देख देख के नहीं होगा जी। ये देखो जैसे अभी आपने बच्चों डायरेक्ट मेथड यूज किया, देखना स्टूडेंट्स, जैसे बच्चों अभी आपने जैसे डायरेक्ट मेथड यूज किया, बच्चे ने बोला कुणाल सर पता आपको पता है कि इस मेथड का नाम डायरेक्ट क्यों है? मैंने बोला क्यों है सर, क्योंकि डायरेक्टली जो एक्स वाई दिया होता है ना, जो एक्स वाई डायरेक्टली दिया होता है सर, उसी से गेम खेल लेते हैं। मेरा मतलब कुछ नहीं निकालना, सिर्फ डायरेक्टली सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन, रूट में ये घर एक्स का, ये घर किसका, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स। अयान यहां देख, और यहां पर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन सर, सच बताऊं सर,
इस मेथड का नाम डायरेक्ट इसलिए था क्योंकि डायरेक्टली हमने एक्स वाई से कर लिया था, बट अगर मैं इस एक्स का डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लूं, एक्स माइनस ए कर, एक्स माइनस एज्यूम मीन कर, एज्यूम अपने आप कर लो कुछ भी एक्स में से, और वाई का डेविएशन ऑफ वाई निकाल लूं, वाई माइनस ए कर, तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। सर फिर अब गेम एक्स वाई से खेल रहे थे पहले, ये देखो पहले गेम, अब गेम डी एक्स डी वाई से खेलनी है। क्या फॉर्मूला होगा? पहले एक्स वाई साथ रहते थे, आप क्या बोलोगे? कौन साथ रहता है बोलना बोलना। पहले डी एक्स डी वाई कहा रहते थे साथ, फिर इनके बीच में, अब डी एक्स और डी वाई पर रहते अभी भी एक ही, ये घर किसका? एक्स का। और ये घर किसका? सेम सेम बोलना, सिग्मा डी एक्स माइनस सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वेयर स्क्वेयर अपॉन अपॉन। सर दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। हाँ जी दोनों सेम है भाई, बस सिर्फ कॉलम का डिफरेंस आ गया, एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बन गए। एक्स और वाई से गेम नहीं खेली, डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई से गेम खेलनी है सर, एक्स वाई से नहीं करना। सर इसका मतलब ये मेथड ज्यादा इजी हुआ, क्योंकि सर इससे वैल्यूज काफी छोटी हो जाएंगी, ये मेथड इजी हुआ। दैट मींस सर अब तक सर हम क्या करते थे, एक्स दिया होता था वाई दिया होता था, हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते थे, एक्स का स्क्वायर निकालते थे, वाई का स्क्वायर निकालते थे, ये पांच कॉलम चाहिए होते थे। आप क्या करना है कुणाल सर, पहले एक्स का डीएक्स निकालना है, वाई का डीवाई निकालना है, मल्टीप्लाई भी डीएक्स और डीवाई को करना है, डीएक्स का ही क्या निकालना है और डीवाई का ही क्या निकालना है, स्क्वायर। अब इन पांचों कॉलम की जगह अब ये पांच कॉलम बनेंगे, फर्क कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बट एक्स वाई की जगह पहले क्या निकालना है, डीएक्स और डीवाई, एक्स वाई की जगह एक्स की जगह डीएक्स और वाई की जगह डीवाई। सर ये कैसे निकालते हैं? सर ये एक्स माइनस ए करके निकालते हैं जी, ये आपके पास थी, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं जी इसे? हाँ जी इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ये सबसे इजी मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का जी, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू सबसे छोटी आ जाती हैं जी, बस कुछ नहीं करना, एक्स का डेविएशन ऑफ एक्स, वाई का डेविएशन ऑफ वाई, गेम ऑफ एक्स वाई से नहीं, गेम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई से, बस सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम। ग्रुप पे सेंड करो फास्ट।